आई विल बी चैटिंग विद सम ऑफ यू गाइस, बिकॉज ऐसे ऐसे जो भी होस्ट करा होता है ना उसको करना पड़ता है, ऐसे बात बात करना पड़ता है, ठीक है, घबराना मत ऐसे क्योंकि ऑलरेडी लोग थोड़े घबराए से लग रहे हैं, तो किससे बात करें, आपसे थोड़ी मेरे को इंटिमिडेटिंग वाइब्स आ रही है और अपने कुछ ज़्यादा ही छोटी टी शर्ट पहन ली है, बाइसेप बहुत ज़्यादा है, तो आपसे तो नहीं करता हूँ मैं इन लोगों से करते हैं, प्यारे प्यारे गोलू गोलू से लग रहे एकदम कितनी फ्रेंडली वाइब आ रही है. व्हाट्स योर नेम ब्रो? यश. यश, व्हाट डू यू डू? बहुत ही डिटेल. यश, यू स्टडी? यश, व्हाट डू यू स्टडी? यश, यू आर रिसेंटली स्टडिंग कॉमर्स. यश तू बहुत क्यूट है रे, एकदम फुल एकदम. कौन है वो जेठालाल वाली वाइब आ रही है क्या? हाउ ओल्ड है यू यश, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? 16. ओ अरे अलाउड थे क्या 18 से कम? मुझे तो अरे पगले ऐसे जब स्नीक इन करके घुसते ना झूठ बोलना होता है आगे, सब सच नहीं बोल देना है गलत आईडी वाईडी दिखा के घुसा 16. यश अच्छा कॉमर्स पढ़ रहा है तू, क्या प्लान है इसके आगे तेरे, मतलब योर फादर हैज अ बिजनेस? हाँ बिकॉज वो लग रहा था पूरा. यश आई गुजराती में एनी चांस? हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स. देख कि समझ आ रहा है, इतना देख लिया ऐसा लगता है ना, मतलब कि समझ आ जाता है. एंड ऑल ऑफ यू गाइस आर फ्रेंड्स या क्या सीन है? हाँ तुम लोग घबराओ मत यार, पहले पहले तो ये बता देते कैसे फ्रेंडली चिट चैट है, मतलब ऐसे ऐसा नहीं कि गांड मार दूंगा तेरी, ये वाला मेरा भाई भी नहीं है. मेरा भाई अपनी गांड बचा ले तो इतना टेंशन मत लो कि भैंस क्यों करो, यश की बेइज्जती हो रही है, अब मेरा क्या होगा. सब ऐसे फ्रेंडली बात है ऐसे वाला. व्हाट्स योर नेम ब्रो? हाँ रोनित. एंड यू आर ऑल तुम क्लासमेट्स? अरे यार ये तो बहुत ही ऑल ले ले वाले फीलिंग आ रही. ऑल फोर ऑफ योर क्लासमेट्स? वी थ्री. और भाई साहब वो आप अकेले हो? कोई बात नहीं, पता तो चल गया, ये रोनित है, ये यश है. तेरा क्या नाम? कवेश. कवेश एंड यू आर ऑल्सो गुजराती क्या? यू आर मारवाड़ी? सेम थिंग. ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं, फुल संता सिंह बंता सिंह वाली वाइब. एंड तुम्हारे पापा का भी बिजनेस है? क्या बिजनेस है तुम्हारे पापा? प्लास्टिक एक्सेसरीज. एक्सेसरी. और तुम कवेश? प्रोडक्शन. भैंचो कोई गरीब दोस्त बनाते नहीं हो क्या तुम? हैं सर्विस के बच्चे दिख जाते लात मार देते उसको. बाप बैंक में काम करते हैं. थोड़े ऐसे वो कर लो बना लो दोस्त. ब्रो एक्चुअली व्हाट्स योर नेम ब्रो? या सरवना. व्हाट डू यू डू सरवना? यू आर इन आई टी, यू आर वर्किंग राइट नाउ. ओके अब बताओ तुम लोग डिसाइड करो किससे नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है? लाइक लेट मी गिव यू द पावर, लाइक किससे नेक्स्ट बात करनी है. भोजड़ी की इसका मत बोल देना भाई, मेरी पटरी है उससे, ठीक है? तू तो पॉइंट करके चला जाएगा. कर ही लेते हैं क्या वैसे, क्योंकि फ्रेंडली टाइप लगता. अरे हाथ तो खोल ले यार तू, मतलब वैसे ही डरावना सा लग रहा है, ऊपर से यूं करके डोले और टाइट करके बैठा हुआ. क्या नाम है भाई तुम्हारा? विनायक. तुम कौन सी जिम में ट्रेनर हो? क्या करते हो विनायक? यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. वो भी है आईटी में. उसको देख के लग रहा है आईटी में तेरी तो प्रमोशन ही रुक जाएगी बे. बॉस बोलेगा इतनी इतना टाइम मिल कहाँ से रहा है इसको. हाँ अरे ये करके क्या बोल ये हैव यू ऑलवेज बीन लाइक दिस या वर्क फ्रॉम होम के वक्त एकदम बल्कअप हो गया? वर्क फ्रॉम होम के बाद ही जिम ज्वाइन किया तूने? लॉकडाउन के वक्त जिम ज्वाइन किया? मतलब सारे जिम तो बंद थे, तू कौन सा जिम ज्वाइन करा था? तुम लोग यहाँ पे चालू थे, कहाँ है तुम लोग के यहाँ ये? हाँ चेंबर डजंट गिव अ फक. चे लॉकडाउन होता रहेगा हम जिम खोल रहे. एंड यू गाइस आर कलीग्स और क्या? कॉलेज फ्रेंड्स. व्हाट्स योर नेम ब्रो? हाँ दिवेश. अगेन गुजराती आई एम अज्यूमिंग? नहीं सिंधी. अरे ये तो चलो कोई बात नहीं. एंड दिवेश तुम्हारे भाई पापा का बिजनेस है? हाँ देखो वाइब्स ही समझ में आते, तेरे पापा का जैसे बिजनेस नहीं है. हाँ दिवेश व्हाट डू यू डू? यू आर आई टी इंजीनियर एंड योर फादर्स बिजनेस इज स्पाइसेस. ये पता नहीं ऐसा नहीं लग रहा सब झूठ बोल रहे? ऐसी वाइब नहीं आ रही कि ये बना बना के कुछ भी बोल रहे कि असली में कुछ गन वन का बिजनेस है समथिंग लाइक दैट? तो चलो एक इनसे बात होगी. अब किसी कपल से बात कर लेते हैं, तो कोई किससे बात करे?
आप काफ़ी पॉइंट कर रहे हो तो पहले तो हाँ तो हेलो हाय हाय गाइस हाय पहले तो आप लोग दोनों को एडवाइस है कि बेटर दोस्त बनाओ कि आपके जो घटिया दोस्त है ना लो इनकी बिल्कुल ही बुरे लोग हैं वो हाँ हाँ घटिया है इसके दोस्ती टिकी है कोई आइडिया नहीं इसका क्या मतलब है बट हाँ आइडिया है आप ठीक आप ये लड़के ऐसा बोल सकती है और ये बोल देते ना गांड मार लेते इसकी अभी घटिया है इसलिए दोस्त टिकती है जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हो बहुत ही गुड ब्रो व्हाट्स योर नेम सनी शर्मा ये तो नाम से ऐसे स्कैम आर्टिस्ट वाली नाम हेलो माई सेल्फ सनी शर्मा चलो ठीक है सनी क्या करते हैं तो सनी यू आर अ बेबी सिटर ये बेबी सिटर मतलब असली में तेरा प्रोफेशन बेबी सिटिंग है या यू आर अ प्रोफेशनल बेबी सिटर फक दैट्स अमेजिंग ड्यूड मतलब ये बॉम्बे में ही सुनने को मिलता है ये सब दिल्ली में ये सब आ ही नहीं रही है यू आर अ प्रोफेशनल बेबी सिटर दैट्स रियल दैट्स ट्रू ओके दैट्स कूल मतलब इट्स नॉट लाइक यू हैव अ बेबी एंड यू लुक आफ्टर You are a babysitter proper. Please, मतलब कहाँ where do you babysit? I have lot of clients in and around Mumbai. And there are some special ones for events or for marriages. You go to events? भैंचो मैं भी यही करता हूँ बे. यहाँ कितने joke वोक सीखने पड़े तो बच्चे का ख्याल रख रहे जा जा के ऐसे अच्छा बाई अलग होती है तो बाई को सुपरवाइज करने जाता है खेलना कूदना उनके साथ होता है भाई ये मेरे को बहुत ही अलग लेवल पे लग रहा है पहले तो उससे बात करनी चाहिए थी मैं कहाँ यहाँ स्पाइस वाइस पे मेरे पास 10 मिनट है यार कुल मेरे को पहले तुझे पकड़ना चाहिए था कहाँ ये आईटी वाईटी पे टाइम बर्बाद कर रहा था ये मैं तू बच्चों के साथ खेलता कूदता है ये बच्चों का एज रेंज क्या रहता है ये सेवन टू फोर्टीन के बच्चों के साथ तो खेल रहे हैं उनके खुद के दोस्त नहीं आई वॉन्ट डिमीन योर प्रोफेशन मैं तेरा सनी शर्मा आपका हाँ सनी शर्मा एंड मेरे को ये लग रहा है क्योंकि देख ऐसे अगेन सर्विस क्लास के बच्चों को तो इतनी ज़रूरत नहीं होती ये बहुत ही रईस क्लाइंटेल हो गया तेरा एकदम अच्छा कोई ऐसा बढ़िया एकदम कोई मिला है क्या कोई फेमस सेलिब्रिटी का बच्चा तैमूर वैमूर न्यूज़ एंकर्स न्यूज एंकर्स के बच्चों राजदीप सरदेसाई बोल अर्णव का बच्चा भैंजू कैसा हो गया यार उसके साथ तो खेलने के लिए भी तुझे बोलते ही रहना पड़ेगा किसका मतलब हु आर दीज न्यूज एंकर्स इफ यू डोंट कौन इंडिया टीवी वाले को न्यूज अच्छा चल ठीक है मैं भाई क्या क्या इम्पैक्ट हुआ ये मेरे को पता ही नहीं था यार मैं मतलब दिस इज वन ऑफ दोस प्रोफेशंस मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन जज कर सकता हूँ कि ये तो बहुत ही खतरे वाला प्रोफेशन है काफ़ी रिस्क टेकिंग एंड हाउ डिड यू लाइक गेट इन टू दिस कि बचपन से बच्चे पसंद थे क्या सीन था मार्शल आर्ट कोच थोड़ा जंप नहीं हो गया ये मार्शल आर्ट कोच से बच्चे के साथ खेलना मैडम आप सही थी इन लोगों से बात करवा के ना थैंक्स पहले तो आपने जो बात कही थी बिल्कुल सही बात कही थी एंड सनी एंड यू व्हाट्स योर नेम पूजा यू गाइस आर मैरिड नो यू नो यू आर डेटिंग व्हाट डू यू डू पूजा उसने या नहीं बोला तो तूने ही बोला वो तो सोच रही थी हाँ यू आर अ व्हाट बायो यू आर अ फैशन डिजाइनर बायो अच्छा मैं सोचा बायो मैं ये तो सब्जेक्ट होता था यार मेरे को अब मुझ पे डाउट हो रहा है मुझे शायद प्रोफेशंस के बारे में नहीं पता एक बेबी सिटर है प्रोफेशनल तो यू आर अ बायो एंड इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग का कुछ आपका वो चल रहा है तो सही एंड यू गाइस हैव बीन डेटिंग फॉर हाउ लॉन्ग आर यू गाइस डेटिंग फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू गाइस बीन डेटिंग काफ़ी सिंपल सवाल है वो 2 ईयर बोल रहा है आप 1 ईयर बोल रहे हो वो पहले 1 साल का बच्चे ही संभाल रहा था मुनी को संभाल तो नहीं रहा था तू संभालते 2 ईयर्स या 1 ईयर बीच में लगा लेते ठीक ठाक
वन एंड हाफ ईयर्स ये बीच ठीक ठाक कर लेते, पहले छः महीने इसकी तेरी तरफ से ही कमिटमेंट थी भाई। वो तो एकदम भवरा बनी पड़ी थी, इधर चली मैं उधर चली। आपका फिर से नाम भूल गया, सनी शर्मा एंड यू आर सॉरी पूजा, पूजा कैसे भूल सकता हूँ, पूजा तो दिल्ली में आधी लड़कियों का नाम वही है। तो एंड डेढ़ साल से आपका चला, एंड यू गाइस प्लान टू गेट मैरिड और एनीथिंग और सम, वैसे नो प्रेशर वैसे। अचानक से मुझे वो फूफा वाली भाई भाई लगेगा, कब करने वाले हो शादी? क्योंकि आप लोग की अगर शादी हुई तो मतलब पेरेंट्स तो बोली लेके बच्चा कर ही लो। वो यही करता है। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी इन टर्म्स ऑफ, नहीं सब कुछ थोड़ी ना वो कर सकता है, कुछ चीज़ें तो मतलब क्या ही बोले अब, या वो सब भी होता है क्या मतलब, एज इन देयर इज नो वे आई कैन आस्क दिस विदाउट मेकिंग इट डिसगस्टिंग, बट बहुत ही अमेजिंग जोड़ी है आप लोगों की, पूजा और सनी शर्मा। एंड सनी तू काफ़ी ऑकवर्ड बैठा हुआ है उन लोगों के साथ, मतलब तू बहुत ही घबराया सा लग रहा है, तू उनको पहली बार मिल रहा है क्या, पूजा के दोस्त यू गाइज आर पूजा फ्रेंड्स और हुज फ्रेंड्स? हाँ वो मेरे को दिख रहा है, तू जितना भी कंफर्टेबल बोल ले ना, ऐसे करके बैठा हुआ है तू, उसको देख वो क्या चौड़े में बैठा हुआ है अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे बिजनेस है हम, उसको संभाला है शायद तूने कभी।